आज हम आपको लहंगे में कैन किस तरीके से लगाते हैं वो बताएंगे। अगर आप लहंगे में कैन नहीं लगा पाते तो इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कैन लगा सकेंगे। तो देखिए, हमने जो इनर है वो इस तरीके से सेट कर लेना है। फोर फोल्ड में हमने इसको सेट कर रखा है। अब इसके बाद हम इसे नापेंगे। तो ऊपर के साइड से हम यहाँ पर 19 इंच पर निशान लगाएंगे। 20 इंच पर हमारा घुटना होता है, जो नॉर्मल साइज होता है। उसमें ऊपर की तरफ हमारी 1 इंच पर बेल्ट लगेगी, तो वो हम माइनस कर देंगे और 19 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम ये सभी निशान मिला लेते हैं सेम इस तरीके से। ये निशान मिलाने के बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड भी ये निशान लगा लेंगे। तो ये निशान किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। दूसरी साइड हमारा ये निशान लग गया है। ये पतला कपड़ा है इसलिए, तो हम इसको बस हल्का सा डार्क कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा निशान लगा है। इसके ऊपर हमें कैन लगानी है। ये हमें इजीली जहाँ से हम धागे वगैरह लेते हैं उस शॉप पर आसानी से मिल जाती है। नॉर्मल हम बात करें कि हमारी कितनी मीटर कैन लगती है लहंगे में, तो 3 मीटर कैन हमें मिनिमम लगती है लहंगे में लगाने के लिए। तो ये देखिए, हमने इसको बीच से अलग कर लिया है। तो हम इसे किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 20 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसको हमने बीच से अलग कर लिया है, सिंगल इसको कर लिया है। अब नीचे की साइड हम इसे इस तरीके से लगाएंगे बॉटम की तरफ, और इस तरीके से इसको सेट कर देंगे। इसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम इसे लगाते हैं। तो ये हमने इसको इस तरीके से रखना है। जो हमारी किनार वाली साइड है इसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा इसको फोल्ड करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको रख लिया है निशान पर। अब हम प्लेट किस तरीके से डालेंगे, इसको 1 इंच करीब हम फोल्ड करेंगे। तो अगर आप 3 मीटर कैन लगा रहे हैं लहंगे में, तो उसका मिनिमम साइज़ हम 1-1 इंच की इस तरीके से प्लेट डालेंगे, तो हमारा सही मेजरमेंट आएगा, कम या ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें प्लेट डालनी है, बॉक्स प्लेट। तो इसको एक बार इस तरफ और एक बार इसकी अपोजिट साइड इसको सेट करते जाना है। तो ये देखें, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है उसके ऊपर सेम इसी तरीके से सिलाई हमें लगानी है। उसके ऊपर नीचे हमें नहीं करना, नहीं तो हमारी कैन नीचे से छोटी या बड़ी लगेगी, जिससे घेर अच्छी तरीके से सेट नहीं होगा। तो हम निशान के ऊपर ही इसे इस तरीके से लगा लेंगे। हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कपड़ों को सुंदर तरीके से सिल सकते हैं। अगर आप पुराने साड़ी से लहंगा बना रहे हैं, या कली वाला लहंगा या सर्कल वाला लहंगा बनाना आपको नहीं आता, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे देखकर भी आसानी से लहंगे कट भी कर सकते हैं और आसानी से सिल भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कैन लग गई है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर आयरन कर देते हैं, जिससे कि हमारी ये प्लेट अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी। तो ये हमें किस तरीके से करनी है, तो जो हमने ऊपर की तरफ प्लेट डाली है सेम उसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी सेट कर लेनी है इस तरीके से। ये एक बार इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएंगी। हम इसके ऊपर अगर गर्म आयरन भी करेंगे तो भी ये नहीं चिपकता, तो हम इस पर आसानी से इसको सेट कर सकते हैं हाई करके प्रेस को। तो इस तरीके से हम सभी प्लेट को सेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा घेर बहुत ही सुंदर तरीके से आएगा लहंगे में। आप इसी तरीके से गाउन में, लहंगे में या फ्रॉक वगैरह किसी में भी लगा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कैन लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी ये कैन लग गई है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आसानी से कैन लगाना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।